my first video I have given you some hard words, some keywords which will make you to easily understand this topic. And previous I have discussed that the name of topic is a robbery. Here also one house has been burgled or robbed by someone. You can say some criminals, some ruffians. That in this incident took place in Basant Colony. ये incident जो होता है वो Basant Colony का incident होता है और the name of that robbed house is Mr. Sharma's house. Basant के robbery बसंत कॉलोनी में एक रॉबरी होती है और जिनके घर में ये डकैती होता है वो मिस्टर शर्मा का हाउस है और मिस्टर शर्मा ऑल फैमिली वेंट टू ज्वाइन अ मैरिज सेरेमनी एंड दे बैक टू देयर होम एट लेट नाइट एंड व्हेन दे केम टू देयर होम दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट देयर ऑल हाउस in a mess. It means their all house looks like in a disordered way. Means all the things are not at its right place. जब वो late night party से पूरी family के साथ अपने घर return आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके घर पूरा का घर अस्त व्यस्त नजर आता है. Now start this from one by one. Who are the
छुपे रूप से. द सेकेंड विटनेस इज राजू. सेकेंड विटनेस का नाम मैंने आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था फाइव विटनेसेस के नेम. तो सेकेंड विटनेस थे राजू, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया इंस्पेक्टर नरेश के सामने कि अ मैन वॉकिंग वेरी फास्ट एंड केम फ्रॉम शर्मास हाउस. एक व्यक्ति जो शर्मा के घर के दिशा से, जो कि जहां पे इंसिडेंट हुआ रहता है इनके घर में, शर्मा के घर के तरफ से काफी तेज कदमों से चलते हुए वो भागे जा रहा था और एक बैग को अपने चेस्ट के समीप टाइट से पकड़े हुए थे. ही हैड अ बैग आल्सो क्लोज टू हिज चेस्ट. वो सीने पे जोर से इस तरीके से बैग को पकड़े हुआ था और काफी तेज कदमों से जा रहा था. इट मीन्स कि वो कुछ ऐसा रखा था जिससे पकड़े जाने के डर उसके मन में था. आवर थर्ड विटनेस इज समीर. समीर हु वाज समीर. व्हाइल गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर आई हैव मेंशनड दैट समीर वाज द आइसक्रीम वेंडर. आइसक्रीम बेचने वाले जो रोड साइड में वहां पे ठीक मिस्टर शर्मा के घर के सामने समीर रोड पर जो आइसक्रीम बेचा करते थे, उनका स्टेटमेंट था. मिस्टर नरेश ने जांच पड़ताल में जब आगे पूछे तो तीसरे विटनेस जो थे, तीसरे सबूत जो थे, उनका कहना था कि आइसक्रीम वेंडर जो थे वो एक आदमी को लेट नाइट नियर अबाउट 11 PM देखे थे, जो कि 11 बजे रात को मिस्टर शर्मा के हाउस से रिटर्न होते हुए आ रहे थे. ही वॉज बैज विथ मॉस्टेच. He was bagged with a mustache. Jinka or what type of appearance of that suspect? So according to Sameer, Sameer ke anusar, unhone jis vyakti ko dekha tha, uske sar pe baal nahi the, wo ganja tha, badi badi moonche thi. To ice cream vendor ne jis man ko dekha tha, he saw a man with a bar and half the with a beard, दाढ़ी थी बड़ी बड़ी और बाल जो था वो नहीं था. वो कैसे थे देखने में? तो उनके द्वारा देखे गए सस्पेक्ट जो थे वो बैल थे, गंजे थे, टकले थे. एंड ही वॉज ड्राइविंग द टू पर्सन. The two person who driving their bikes in a very past recklessly. I have mentioned that the words are mean of past recklessly. It means उनकी गाड़ी की जो रफ्तार थी वो बता रही थी कि they have created some type of crime there, and that shows that they were in hurry. वो दिखा रहा था कि वो लोग काफी जल्दीबाजी में थे. And the fourth suspect name was Manish, who with his friend, Manish was a young man, with his friend looks like a ruffian. And before go further, once more, I would like to explain that what's the meaning of ruffians. Ruffians, मैंने कल भी अपने फर्स्ट वीडियो में भी ये शेयर किया था कि ruffians means having not fair look, जिनका look सही नहीं होता है, बड़े बड़े दाढ़ी, बाल बाल बढ़ाए हुए, हाथ में कड़े वगैरह पहने में, मतलब उनका look देखने से ही लग रहा था कि they were the type of the criminals. They have the looks. उनके looks ऐसे थे कि वो criminal दिखाई दे रहे थे. उनके looks से कोई भी judge कर लेता कि वो क्या है, चेहरे से ही बिल्कुल गुंडे मवालियों की तरह दिखाई दे रहे थे. और उनकी जो
कंडीशन थी बाइक की, काफी फास्ट में जो बाइक को दौड़ा के ले जाते हैं वो ड्राइव करके वो सो कर रहा था कि दे वर इन हरी, वो काफी जल्दीबाजी के थे और वहां से भागना चाहते थे। एट दिस अकॉर्डिंग टू द इंस्पेक्शन ऑफ इंस्पेक्टर नरेश एंड ऑल्सो द फाइव विटनेसेस सेड, इंस्पेक्टर नरेश के इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग, क्वेरी के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे लोगों का होलिया, जैसे जैसे लोगों का चेहरे का आइडेंटिफिकेशन यहाँ बढ़ता था, उनके आधार पे कुछ लोगों को शक की निगाह से देखा गया और कुछ सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार भी किया गया। और बिफोर गो टू द एंड ऑफ दिस स्टोरी, वन विटनेस लेफ्ट हु इज मिसेस मनी, she had got a glimpse, Mrs. Money had got a glimpse, Mrs. Money ने कहा, जो कि हमारी आखिरी सबूत है इस रॉबरी कांड की। According to her statement, the person had long hair, but one who accompanied that person had a beard. Mrs. Money के according, मनी ने जो स्टेटमेंट दिया उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो एक झलक चोरों की देखी थी, तो उन चोरों में दो दोस्त थे, एक के लंबे बाल थे और एक की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे चार पांच लोगों ने जो अपने अपने स्टेटमेंट दिया, किसी ने दिया,